हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आप सभी का स्वागत। आज की प्रॉब्लम क्रोटो की प्रॉब्लम 1.5 है। अब एक बार पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके सामने, आप इसको ध्यान से सुने, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। टू बॉडीज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स ईच अदर एट इनिशियल वेलोसिटीज v1 एंड v2 एंड विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2 डायरेक्टेड अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज एट द इनिशियल इंस्टेंट। What must be the maximum initial separation Lmax between the bodies for which they meet during the motion? तो क्वेश्चन को मैं एक बार क्लियर कर दूं आप लोगों को कि दो पार्टिकल एक दूसरे के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक की वेलोसिटी v1 है, एक की v2, और इनके एक्सेलरेशन जो हैं अपनी ही वेलोसिटी के अपोजिशन में है। यानी पहले पार्टिकल की वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो उसका एक्सेलरेशन उसका अपोजिशन कर रहा है, और दूसरा पार्टिकल जो पहले की तरफ आ रहा है उसका एक्सेलरेशन उसका अपोजिशन कर रहा है। क्वेश्चन ये पुट अप किया गया है कि कितना सेपरेशन दोनों के बीच में लेने पर ये मिल सकेंगे। अच्छा, क्वेश्चन को ऐसे भी पुट अप किया जा सकता था सेकेंड लैंग्वेज में कि व्हाट मस्ट बी द मिनिमम इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द बॉडीज फॉर विच दे डू नॉट मीट ड्यूरिंग द मोशन। तो क्वेश्चन को न मिल सके कंडीशन में भी पूछा जा सकता था, मिल सके वाली कंडीशन में भी पूछा जा सकता है। तो कभी अगर एग्जाम में लैंग्वेज चेंज करके पूछा जाता है तो उसको समझने की कोशिश करें। मैक्सिमम डिस्टेंस जिसके लिए वो मिल सके या मिनिमम डिस्टेंस जिसके लिए वो न मिल सके, ये दोनों एक ही प्रॉब्लम है। तो अगर मैं इसके लिए एक डायग्राम तैयार करूं तो ये दो पार्टिकल की पोजिशन है, ये v1 स्पीड से v2 की तरफ आ रहा है, B की तरफ आ रहा है, ये v2 स्पीड से A की तरफ आ रहा है। दोनों के एक्सेलरेशन अपनी ही वेलोसिटीज के अपोजिशन में है, तो कुछ इस तरीके की कंडीशन बनेगी v1 v2 a2 a1। अब देखिए, अगर हम की कंसेप्ट की बात करें कि क्या कंसेप्ट यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, तो इस प्रॉब्लम को इक्वेशंस ऑफ मोशन से सॉल्व किया जा सकता है, बट चूंकि दो पार्टिकल है तो रिलेटिव काइनेटिक पैरामीटर्स इसके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे, रिलेटिव काइनेमेटिक पैरामीटर्स। इसका मतलब है कि जितने भी काइनेमेटिक पैरामीटर्स हैं उन सबको रिलेटिव फ्रेम पे देखा जाए और उसके बाद चाहे आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर लें। यानी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करें लेकिन उसमें जिन वेरिएबल्स को आप यूज करें वो सब रिलेटिव होने चाहिए। अगर हम इस स्टेप को ऐसे लेते हैं तो ये एक ईजियर प्रॉब्लम बन जाएगी। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं किसी एक पार्टिकल को स्टैटिक कर देता हूं ताकि दूसरा पार्टिकल उसकी ओर मूव कर सके। तो मान लीजिए मैंने रेफरेंस बनाने के लिए इस पार्टिकल को स्टैटिक कर दिया और अब ये पार्टिकल उस पार्टिकल की ओर प्रोसीड करेगा। तो पहले एक बार रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट पर डिस्कस करेंगे। देखिए, रिलेटिव किसी भी पैरामीटर की रिलेटिव वैल्यू निकालने के लिए, चाहे वो वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन में किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में से कोई भी क्वांटिटी, जैसे यहां हमको बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, और ये फिक्स फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला एक्सेलरेशन पर भी रोल प्ले कर सकता है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो एक पार्टिकल v1 वेलोसिटी और a1 एक्सेलरेशन के साथ ट्रैवल कर रहा है, v2 वेलोसिटी और a2 एक्सेलरेशन के साथ ट्रैवल कर रहा है। इसे वेक्टोरियली लिख लेंगे तो और कंफर्टेबल रहेगा, किसी एक डायरेक्शन को i कैप कंसीडर करते हुए। v2 को मैं लिख सकता हूं v2 i कैप विथ माइनस साइन, a2 को मैं लिखता हूं a2 i कैप, यहां v1 को मैं लिखता हूं v1 i कैप, और a1 को मैं लिख देता हूं माइनस a1 i कैप। तो इस तरीके से हमको सभी क्वांटिटीज वेक्टोरियल फॉर्म में मिल चुकी हैं। अब अगर हमको वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी हो विद रिस्पेक्ट टू ए तो वो आ जाएगी माइनस v2 i कैप माइनस v1 i कैप। ये वैल्यू मैंने यहां से पुट अप किए हैं और ये फाइनल बन गया माइनस v2 प्लस v1 i कैप। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, बी का एक्सेलरेशन है a2 i कैप माइनस ए का एक्सेलरेशन है माइनस a1 i कैप, सो इट विल बी a2 प्लस a1 i कैप। तो अब हमें पार्टिकल b की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन a के रिलेटिव पता लग चुके हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि किस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन है कि वो मैक्सिमम सेपरेशन दोनों के बीच का कैलकुलेट करिए जिसके लिए
ये पार्टिकल मिल सके, या जैसा मैं इसका दूसरा फॉर्मेट बता रहा हूं कि वो मिनिमम सेपरेशन एल मिनिमम कैलकुलेट कीजिए जिसके लिए ये ना मिल सके। बार बार मैं बता रहा हूं, बार बार ध्यान दें, ये दोनों प्रॉब्लम सेम है। अगर मिनिमम सेपरेशन पूछा जाए जिसके लिए ये ना मिल सके और मैक्सिमम सेपरेशन पूछा जाए जिसके लिए ये मिल सके, तो ये दोनों बातें एक ही है, ये दोनों एक ही प्रॉब्लम है। तो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा वो देखें। इस पार्टिकल से इस पार्टिकल का सेपरेशन मैंने एल मैक्स कंसिडर किया, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि माना एल मैक्स के लिए इनकी मुलाकात जरूर होगी, क्योंकि ये तय है कि अगर हम डिस्टेंस को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा देंगे तो मुलाकात नहीं भी हो सकती। हो सकता है पार्टिकल इस रिटार्डेशन के चलते एक दूसरे तक न पहुंच पाए, इसीलिए एल मैक्स पूछा गया है कि क्या आप कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन मुलाकात होनी चाहिए, कंडीशन लगाई हुई है कि मीटिंग होनी चाहिए दोनों पार्टिकल एयर बी की। तो जो इक्वेशन सबसे बेस्ट रहेगी इस प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमको रिलेटिव पता है, क्योंकि ये पार्टिकल को मैं स्टॉप्ड पार्टिकल मान रहा हूं, ये अपनी जगह पे रहेगा और मैंने इसके सारे वेरिएबल्स इसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं। तो जब ये इसकी ओर मूव करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू पोजिशन ऑफ बी, पोजिशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव निकालने के लिए जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे बी का ए के रिलेटिव, तो हम देख पा रहे हैं ये उधर की ओर ट्रेवल करेगा। तो बी जब इस प्रॉब्लम में ट्रेवल करेगा ए के रिस्पेक्ट में, तो यहां से वहां को जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस एल मैक्स आई कैप होगी। एक बार और ध्यान दें, अगर मैं बी पार्टिकल को स्टॉप करके ए को ट्रेवल करा था तो ये पार्टिकल पॉजिटिव आई कैप की तरफ ट्रेवल करता, तो डिस्प्लेसमेंट एल मैक्स आई कैप होता। लेकिन मैं ए को स्टॉप करके बी को मूव करा रहा हूं, तो जो डिस्प्लेसमेंट बी ट्रेवल करेगा ए को स्टॉप करके वो हो जाएगा माइनस एल मैक्स आई कैप। अब हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, तो इन तीन वेरिएबल के साथ सबसे बेस्ट जो इक्वेशन रहेगी वो है एस वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। चूंकि ये प्रॉब्लम रिलेटिव है तो यहां पर एस नॉट लिखने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि एस नॉट की वैल्यू जो थी वो डिस्प्लेसमेंट एस के साथ मिलके जो एस माइनस एस नॉट था, अब उसी का नाम एस पड़ गया है। इस इक्वेशन को और परफेक्ट लिख लेते हैं इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली। अगर इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली इन डाटा को लिखना है तो हमें ऐसा लिखना चाहिए, नाउ दैट डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को बी विद रिस्पेक्ट टू ए नहीं लिखते तो इसको हम प्रीवियस फॉर्मेट में ऐसा लिखते, एस वेक्टर इक्वल टू एस नॉट वेक्टर प्लस यू बी विद रिस्पेक्ट टू ए टी प्लस हाफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू ए टी स्क्वायर, और तब हम एस नॉट और एस की वैल्यू सेपरेटली लगाते। क्या वैल्यूज लगाते मैं एक बार बता दूं आपको, तब हम एस वेक्टर की जगह जीरो आई कैप लगाते, क्योंकि अब इस इक्वेशन में ये एस डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये पोजीशन है, तो एस की जगह आता है जीरो आई कैप, इसको ओरिजिन मानते हुए उसको स्टॉप किया हमने, और इस एस नॉट की जगह आता एल मैक्स आई कैप, और जब ये एल मैक्स आई कैप उधर जाता तो ये दोनों मिलके यही वेरिएबल बन जाता। तो इसका मतलब चाहे आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये दोनों एक ही हैं। बस अंतर इतना है कि इस इक्वेशन में एस डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, लेकिन इस इक्वेशन में एस और एस नॉट पोजीशंस को शो कर रहे हैं। तो ये दोनों पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब आइए वैल्यू पुट करते हैं। इस स्टेटमेंट की हमें अभी कोई नीड नहीं है, केवल ऊपर वाली स्टेटमेंट से ही हमारा काम चल रहा है। तो एस वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू यू वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू ए टी प्लस हाफ ए वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू ए टी स्क्वायर। Now, S vector B with respect to A is minus L max I cap equal to U, velocity of B with respect to A. यहां मैंने U यूज किया है और वहां मैं V यूज कर रहा हूं, तो लीजिए मैं इसको सिमिलराइज कर देता हूं दोनों जगह पे। V vector T, V vector is minus V2 plus V1 into T I cap plus half A B with respect to A, that is A2 plus A1 I cap. लेकिन पहले मैं टी स्क्वायर लिख लेता हूं, आई कैप बाद में लगा दूंगा। दोनों तरफ आई के कोफिशिएंट कंपेयर करने से मुझे माइनस एल मैक्स की वैल्यू मिल जाती है माइनस वी टू प्लस वी वन टी प्लस हाफ ए टू प्लस ए वन इंटू टी स्क्वायर। यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने आई के कोफिशिएंट दोनों ओर कंपेयर कर दिए हैं, तो अब यह बन गया माइनस एल मैक्स इक्वल टू माइनस वी टू प्लस वी वन टी प्लस हाफ ए टू प्लस ए वन टी स्क्वायर। Now, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं,
ये हाफ का जो टू है, अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं टू से मल्टीप्लाई करूं और उस टर्म को भी इस तरफ ले लूं, तो ये बन जाएगा ए टू प्लस ए वन टी स्क्वायर, दिस टर्म आफ्टर मल्टीप्लाई विद टू, ये ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस टू टाइम्स वी टू प्लस वी वन इंटू टी, ये टू क्यों है आप समझते हैं, और ये टर्म बन जाएगा इस तरफ आके प्लस टू एल मैक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए, अगर वाकई ये दोनों मिले हैं और ऐसा किसी रियल टाइम पे हुआ है, अगर ऐसा किसी रियल टाइम पे पॉसिबल हुआ है, तो टी रियल होना चाहिए, और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसके रियल होने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना या जीरो से बड़ा होना जरूरी है। सो बी स्क्वायर शुड बी मोर देन फोर ए सी। इस इक्वेशन में ए का रोल ये टर्म प्ले करेगा, बी का टर्म ये है और सी की वैल्यू ये है। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, सो बी स्क्वायर इट इज माइनस टू वी टू प्लस वी वन होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एंड ए इज ए टू प्लस ए वन एंड सी इज टू एल मैक्स। एक बार फिर देख लें, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर्मेट से कंपेयर किया जा रहा है, परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाली जा रही है और फिर उन वैल्यूज को इस पर पुट किया जा रहा है। सो बी स्क्वायर इज मोर देन फोर ए सी, इट मीन्स दिस शुड बी मोर देन दिस। नाउ टू स्क्वायर इज फोर एंड दिस विल बी वी टू प्लस वी वन होल स्क्वायर, ये बड़ा हो जाएगा टू ए टू प्लस ए वन इंटू एल मैक्स से, यानी वी टू प्लस वी वन होल स्क्वायर अपॉन टू ए टू प्लस ए वन इज मोर देन इक्वल टू एल मैक्स। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो जो आउटकम आ रहा है, एक बार उस पर डिस्कस करते हैं, एल मैक्स इज either less than this or equal to this, यानी एल मैक्स की वैल्यू या तो इतनी होगी या इससे कम होगी और हमें उसकी मैक्सिमम चाहिए, तो यानी कि यही जो वैल्यू है ये एल मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो ये जो गिवन वैल्यू है v1 plus v2 whole square upon 2a2 plus a1 ये एल मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू है। यहां पर ध्यान दें, मैं फिर वही सवाल एक बार फिर आपके सामने बोलूंगा, अगर एल मिनिमम पूछा होता तो क्वेश्चन का डिजाइन थोड़ा चेंज होता, तब ये कहा गया होता कि वो मिनिमम डिस्टेंस बताइए जिसके लिए ये मीटिंग न हो पाए, तो उस केस में भी आंसर यही आता, हम इसे एल मिनिमम कहते, एल मिनिमम कह के पूरा सॉल्व करते और एल मिनिमम कह करके यही क्वेश्चन यही आंसर हमको इस क्वेश्चन का मिलता। तो एल मैक्स जिसके एल मिनिमम जिसके लिए ना मिल सके, तो कैसे कंडीशन चेंज होती है समझते हैं। अगर इसको हम एल मिनिमम लिखते और तब प्रॉब्लम सॉल्व करते तो आप गौर करें ये सभी लाइनें सेम होती, सब कुछ ऐसा ही होता, बस यहां पर एल मिनिमम आता। एल मिनिमम आने के बाद इस फाइनल इक्वेशन में एल मैक्स की जगह एल मिनिमम होता, ध्यान से सुनते जाइए, यहां पर एल मिनिमम आता और क्वेश्चन चूंकि ये पूछा गया होता कि वो मिनिमम डिस्टेंस बताइए जिसपे ये मीट न कर सके, तो यहां पर आप ये मीट न कर सके इसके लिए बोलते कि इस इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। यहां पर आपने बोला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, तब आप लेस देन जीरो बोलते, तो ये जो साइन है ये रिवर्स फेस से ऐसा होता, लास्ट में रिवर्स होता। अगर ये रिवर्स साइन होता तो फिर आपका स्टेटमेंट होता कि ये वैल्यू से बड़ा है एल मिनिमम। अब एल मिनिमम इस वैल्यू से बड़ा है लेकिन आपको तो मिनिमम चाहिए, तो सबसे मिनिमम वैल्यू के रूप में आप इसी वैल्यू को टेक करते हैं, आप कहते हैं यही वैल्यू सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, तो दोनों क्वेश्चन एक ही है।